गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट यूज ऑफ वॉज. वॉज इज यूज फॉर पास्ट टाइम विथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट. वॉज हम किसके लिए यूज करते हैं? पास्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, और वॉज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है. एग्जाम्पल, आई, ही, सी और इट के लिए. ही वॉज स्लीपिंग, ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट. ही वॉज स्लीपिंग. सी वॉज ईटिंग, वह खा रही थी. सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है. आई वॉज रीडिंग, मैं रीडिंग कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है. इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी. सी वॉज वॉकिंग, वह चल रही थी, वॉकिंग कर रही थी. ही वॉज डांसिंग, वह डांस कर रहा था. तो हम वाज का यूज हम किसके लिए करेंगे? पास्ट टाइम के लिए. भी कोई भी काम हमने जो पहले किया था, मतलब उसका हिंदी था से निकले, उसके लिए हम वाज का यूज करेंगे. और वाज का यूज केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है. तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वाज का यूज जहाँ कोई भी चीज़ आएगी, था, जैसे मैं डांस कर रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं वॉकिंग कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो था के लिए हम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करेंगे. तो इसके ये जो सेंटेंस दिए हुए आपको कॉपी में राइट करने. थैंक यू.